गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इकोलॉजी से स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये हमारा फर्स्ट, मतलब जो हमारी पूरी एनवायरनमेंट की सीरीज जिसमें हम प्रीलिम्स मेन सब कुछ करने वाले हैं, तो उसमें हमारा जो आज का पहला लेक्चर है इट इज बेसिक, जनरली बेसिक्स। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। तो इस लेक्चर में जो ये करंट वीडियो है इसमें हम बेसिक्स देखेंगे एनवायरनमेंट के, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स देखेंगे जिसमें हम हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर ये सब डिस्कस करेंगे, बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स, डेट्रीवोर्स, ये सब भी हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट, सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। जो संस्कृत वर्ड है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए उसका मतलब है पर्यावरण, है ना, सिंपल, हमने बहुत आम सुना होगा पर्यावरण वर्ड। ग्रामेटिकली अगर हम पर्यावरण देखें तो परी मीन्स राउंड सर्कल और आवरण मीन्स अ कवर, कि एक राउंड सर्कल के अराउंड जो चीज कवर्ड हुई है उसको हम पर्यावरण बोलते हैं। तो पर्यावरण मीन्स अ कवर अराउंड, है ना, हम एनवायरनमेंट को भी कहते हैं कि हमारी सराउंडिंग्स, एंड दिस कवर्स एवरीथिंग अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब देखो यहीं से आपका क्लियर हो गया, तो आपको भी सब कुछ ही कवर करना पड़ेगा भाई इन्वायरमेंट में। हम ये कोई ऐसे कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं कर सकते, यही करेंगे ये नहीं करेंगे, नो, यू हैव टू डू एवरीथिंग। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट, अगर हम इंग्लिश वर्ड जो इन्वायरमेंट है ये हम देखते हैं कि ये हमने फ्रेंच वर्ड से लिया है इन्वायरन, दैट मीन सराउंडिंग। हमारी जो सराउंडिंग्स है, हमारी सराउंडिंग्स में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो है हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स जो लिविंग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग, प्लांट्स आर लिविंग, एनिमल्स आर लिविंग, माइक्रोब्स आर लिविंग, राइट। लिविंग्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ग्रो कर सकते हैं, हाइट बढ़ती है, डेप्थ बढ़ती है, ब्रेथ बढ़ती है, ग्रो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज जिसके बेसिस पे हम किसी को लिविंग बोलते हैं, है ना। अबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, लाइट, एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, जिनमें लाइफ नहीं होती। सॉइल टोटली अबायोटिक फैक्टर नहीं होता, सॉइल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक अबायोटिक। सॉइल में भी कुछ माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली उसको थोड़ा सा बायोटिक टेक्सचर जो है वो देते हैं। अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो एयर, वाटर, लैंड, ये तीन चीजें होती हैं। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे कि इनके इंटर रिलेशनशिप्स। तो बेसिकली एनवायरमेंट और जो स्पीशीज हैं, जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ये इस वाले कंपोनेंट्स के साथ कैसे इंट्रैक्ट करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, वाटर, एयर, लैंड के साथ कैसे इंट्रैक्ट करते हैं, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का अगर हम एक ऐसे चार्ट सा दिया हुआ है, आप इसके थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि हम दो तरह से में इसको डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल लिविंग, बायोटिक सेम ही बात है, नॉन लिविंग, एबायोटिक सेम ही बात है। अभी देखो यहाँ पे हम लिखा है इकोलॉजिकल बैलेंस, तो आपको इकोलॉजिकल बैलेंस हमें मेंटेन करने के लिए ये दोनों फैक्टर्स का होना जरूरी है, दोनों के बीच के इंट्रैक्शन होने भी जरूरी है, राइट। ओके, तो फिजिकल, अब इससे ना जब आप ये समझोगे इकोलॉजी तो आपको ये चीज भी समझ आ जाएगी कि यार हम इतनी क्यों क्लाइमेट चेंज के पीछे पड़े हुए हैं, हम, चलो वो भी ठीक है, हम इतना क्यों स्पीशीज के पीछे पड़े हुए हैं। आपको पता है ना, कोई भी एक स्पीशीज सपोज एक्सटिंक्ट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल हम जैसे चीता हमने रीइंट्रोड्यूस करे हैं इंडिया में, क्यों, क्या जरूरत है हमें, कोई हमसे पूछे हम क्यों कर रहे हैं, कोई आप बता सकते हैं उसमें से कोई कि हमने क्यों करे हैं चीता रीइंट्रोड्यूस इंडिया में। हम डेफिनेटली करें, हमने कल परसों भी हमारा जो साउथ अफ्रीका से हैं वो चीता जो सैटरडे को हैं वो आए लाए गए हैं, है ना, उससे पहले नामीबिया से लाए थे। हम क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें, क्या जरूरत पड़ी है हमें चीता इंट्रोड्यूस करने की। फिर हम कहते हैं टाइगर्स खत्म हो रहे हैं, टाइगर्स के लिए हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। फिर हम कहते हैं जी लायंस हमारे सिर्फ वहीं पे, हम ऐसे वरी हो जाते हैं, अरे ये बीमारी फैल गई एनिमल्स में, ये हो गया, ऐसा क्यों, क्या पर्पस है सबका, चीता इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, वो कंपनी थोड़ा लग रही है लोगों को जॉब्स मिलेंगी, है ना। तो सोचो इस बारे में, ऐसा क्यों किया जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्या इसका, और इसका बहुत अच्छा एक एनवायरमेंटल रीजन है कि ये इंट्रैक्शन से आपको क्लियर होगा कि हम क्यों करना चाहते हैं। ओके, तो हम फिजिकल उसमें देखें तो फिजिकल में हमारे पास फिजिकल, केमिकल, क्लाइमेटिक फैक्टर्स काउंट होते हैं, लाइट हो गया, फायर हो गया, एसिडिटी, सैलिनिटी। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हमारे टेम्परेचर, मॉइस्चर, विंड, ये सब चीजें आएंगी, है ना। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में हमारे तीन कंपोनेंट्स हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स, ये क्या चीजें होती हैं ये हम आगे देखने वाले हैं।
कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, सबसे पहले हम कंपोनेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू दीज प्रोड्यूसर्स जो कंज्यूमर्स और डेट्रीवोरस वाला हमारा कंपोनेंट है। तो सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के अगर कंपोनेंट देखें तो वी हैव फोर बेसिक कंपोनेंट्स, दैट इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर एयर गैसेस, हाइड्रोस्फेयर वाटर, लिथोस्फेयर हमारा रॉक्स और बायोस्फेयर हमारा लिविंग कंपोनेंट। तो सबसे पहले हाइड्रोस्फीयर की अगर बात करें तो हाइड्रोस्फीयर में क्या आएगा, जितना भी अर्थ के ऊपर वाटर प्रेजेंट है वो सब जो है वो हाइड्रोस्फीयर में आएगा, चाहे वो ओशंस में है, चाहे वो लेक्स में है, रिवर्स में है, वेटलैंड्स में है, आइस कैप्स में पानी है, क्लाउड्स में पानी है, सॉयल में पानी है और रॉक्स लेयर्स बीनीथ अर्थ। तो आप अगर कोई बहुत, अगर आप कोई एसएससी या कोई नॉर्मल एग्जाम दे रहे हो ना, तो उसमें आपको पूछ सकते हैं कि हाइड्रोस्फीयर के कंपोनेंट्स सारे जहां जहां पे भी पानी है वो सब क्या है, आपका हाइड्रोस्फीयर का पार्ट जो है माना जाएगा। ओके, 97% जो हाइड्रोस्फीयर है वो ओशंस में है, ये याद रखो, ये यूपीएससी पूछ भी चुका है, अबाउट 97% ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज इन ओशंस। वाटर कंटेन्ड बाय लैंड मासेस, ओशंस के बिना तो ये सारा सॉल्टी वाटर होगा, तो हम इसको, ये सॉल्टी वाटर है, जो बाकी का वाटर है जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं दैट इज ओनली 3%। ठीक है जी, और इसमें भी देखो इस 3% का भी 2.515% इज इन ग्लेशियर्स। देखो ग्लेशियर्स में 2.15, तो हमारे लिए जो ग्राउंड वाटर है इट इज ओनली 0.62%। ओके, तो ये कंपोनेंट्स आपको याद करने चाहिए, ग्लेशियर्स में कितना है, ग्राउंड वाटर में कितना है, ओशंस में कितना है, ये पूछ लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमें पता है कि मेंटल ऑफ रॉक, जो कि अर्थ का क्रस्ट है, जो कि लिथोस्फीयर जो बेसिकली सॉलिड लिक्विड, हमें पता है कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल, कोर में, है ना, क्रस्ट है फिर मेंटल है फिर कोर है। ओके, तो द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर विच इज रिलेटेड विद एडिफिक फैक्टर्स। एडिफिक फैक्टर्स होते हैं सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स। ओके, सॉइल रिलेटेड, जो भी सॉइल रिलेटेड फैक्टर, दैट इज एडिफिक वर्ड। लिथोस्फीयर जो है तीन उसमें डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर इज अगेन डिवाइडेड इनटू आउटर एंड इनर। ये हम लोगों ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं, है ना, कि ऊपर का क्रस्ट होता है, फिर मेंटल, फिर कोर। एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर इज एयर। ठीक है, जो भी हमारी गैसेस हैं, ठीक है, जो हम एयर कहते हैं कि जिसमें 78% नाइट्रोजन है, फिर 21% हमारा ऑक्सीजन है, फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, दिस इज एटमॉस्फेयर और एयर। इट इज अ थिन लेयर विच कंटेन गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, जो कि ये हमारी एयर है, ये जो हमें प्रोटेक्ट करती है सॉलिड अर्थ को, हमारे, हमें पता है ओजोन लेयर है स्ट्रेथोस्फीयर में, जो कि हमें प्रोटेक्ट करेगी किससे, यूवी रेस से, जो कि सनलाइट से यूवी रेस आते हैं। आपको पता है यूवी रेस भी तीन तरह के होते हैं, ए बी सी, तो सारे ही हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेथोस्फीयर में ओजोन लेयर है, ये हमें उन यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। कैसे, वो ओजोन जो है उसको अब्सॉर्ब कर लेती है यूवी रेस को और अर्थ तक आने ही नहीं देती। तो अगर हम एटमॉस्फेयर की इसको डिवाइड कर लें, फाइव लेयर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ट्रोफोस्फीयर, स्ट्रेथोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ट्रोफोस्फीयर में सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं हमारी, जो कि हम कहते हैं कि लाइफ रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, वो सारी होंगी, एयर होगी। स्ट्रेथोस्फीयर में आपकी ओजोन हो जाती है, मेसोस्फीयर में आपका जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे भी टेम्परेचर ऊपर जाने से कम होता है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो सबसे कम अगर टेम्परेचर हमारा, अगर हम देखें कहीं पे, तो दैट इज इन मेसोस्फीयर, देन हमारा थर्मोस्फीयर है एंड देन एक्सोस्फीयर। ठीक है जी, नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में सब कुछ, जितना भी लिविंग चीजें हैं वो आपकी काउंट हो जाएंगी, बर्ड्स, एनिमल्स, वेजिटेशन, डेड एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये सब कुछ जो है बायोस्फीयर में काउंट होंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स जो कि एनवायरनमेंट के बेसिक फैक्टर्स हैं। अगेन अबायोटिक, बायोटिक दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अबायोटिक फैक्टर्स में अगर हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करें तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में वी हैव रेन, टेम्परेचर, लाइट एंड विंड। ओके, तो ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। एडिफिक फैक्टर्स जो आपके सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स हैं, वर्ड याद रखो एडिफिक, इट इज रिलेटेड टू सॉइल। ओके, तो जो सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जैसे कि पीएच हो गया, सॉइल का पीएच जो उसकी एसिडिटी बेसिसिटी बताता है कि कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज बेसिक है। तो बेसिकली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेस्ड होता है, जो पीएच होता है ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेस्ड होता है। तो 7 जो है न्यूट्रल पीएच होता है, जैसे वाटर का होगा, 7 से ऊपर अगर पीएच होता है, जैसे 7, 8, 9, 10, 14 तक, देन इट इज एसिडिक समथिंग, सॉरी दिस इज बेसिक, आई एम रियली सॉरी, दिस इज बेसिक। ओके, तो बेसिक जैसे सोप्स होती हैं आपके घर में, साबुन होती है ना, वो थोड़ा सा बेसिक टच होता है उसमें। अगर हम 6, 5, 4, 3 इस पे जाएंगे, दिस इज एसिड।
ओके तो पीए सॉइल का पीएच, सॉइल में मॉइस्चर कितना है, सॉइल में ऑर्गेनिक कंपोनेंट कितना है एंड सॉइल में मिनरल्स क्या है. तो ये अबायोटिक फैक्टर्स हो गए. बायोटिक फैक्टर्स में हम जो अभी डिस्कस करने वाले हैं दैट आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. कंज्यूमर्स होते हैं हेटरोट्रॉफ्स. डीकम्पोजर्स होते हैं सेप्रोट्रॉफ्स. अब ये क्या टर्म्स हैं, क्या मतलब है ऑटोट्रॉफ का, क्या मतलब है हेटरोट्रॉफ का, ये हम देखते हैं. ओके दीज आर बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स ठीक है, ये कैसे आपस में लिंक्ड है, साइकिल को थोड़ा समझते हैं. देखो आप लोगों ने एक टर्म, एक हम बहुत एक कॉमन सी बात सुनते हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना. ये हमें बचपन से स्कूल्स में ये बताया जाता है कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं. इसका मतलब क्या है, क्या हम अपना खाना खुद नहीं बनाते? नहीं, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते. कैसे? देखो जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स जो है वो बेसिकली, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं का मतलब उनकी एक हम रिएक्शन से समझते हैं कि उनके पास CO2 प्लस H2O ओके तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. ठीक है जी. अब ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिक्स कर दो सनलाइट की प्रेजेंस में, वो क्या बना देगा C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, जो कि एक सबसे बेसिक सा हमारा कार्बोहाइड्रेट है. ओके और प्लस वो रिलीज करेगा ऑक्सीजन. अब आप मुझे बताओ कि मैं आपको ठीक है एक बॉक्स में डाल के, किसी एक बीकर में या कोई भी एक चीज में डाल के मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे दूं, H2O दे दूं और सनलाइट दे दूं, क्या हम लोग इससे ग्लूकोज बना पाएंगे? ठीक है लैब में ऑब्वियसली बना पाएंगे, लेकिन हमारी बॉडी में क्या हम इससे ये चीजें बना पाएंगे? हम नहीं बना सकते. हम नहीं चीजें बना सकते. हम जो फूड है हम कहां से लेते हैं? हम प्लांट से लेते हैं. हम बना बनाया प्लांट ले लेंगे, हम उसका फ्रूट ले लेंगे, उसको आगे पका के उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके खा लेंगे, लेकिन हम ये चीज नहीं कर सकते. हम बिल्कुल एक नॉन लिविंग चीजों से ठीक है जो CO2H2 है हम उससे ये ग्लूकोज नहीं बना सकते, जो कि बिल्कुल प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए अगर हम कहें कि हम प्लांट्स को फर्टिलाइजर्स देते हैं, ये तो हम तो अब आए हैं भाई, हम ह्यूमंस तो अब आए हैं, प्लांट्स तो अर्थ पे कब से आ गए थे, तो ये खुद ही सर्वाइव करें, खुद ही ग्रो करें, इनको किसी ने नहीं आके खाना दिया, किसी ने नहीं फर्टिलाइजर्स दिए, किसी ने नहीं न्यूट्रिएंट्स दिए, तो प्लांट्स ने खुद ही ग्रो किया. प्लांट्स खुद ही ग्रो करते हैं. कैसे? CO2 और H2O खुद ही ग्रो करके अपना खाना बनाते हैं, उस खाने को यूज करके खुद ही बेचारे ग्रो करते हैं, उस चीज को बोलते हैं अपना खाना खुद बनाना. ओके तो ये हम नहीं कर सकते, ह्यूमंस नहीं कर सकते, एनिमल्स भी नहीं कर सकते. एनिमल्स को भी आप कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट में तो वो भी है, पानी उनके पास भी है, CO2 भी है एयर में, तो वो खुद बना लेंगे ग्लूकोज? नो, उनको लेना पड़ेगा, उनको खाना पड़ेगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कि खुद खाना बनाना, या फिर हम इनको बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. ओके या फिर इनको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स. तो नेचर में तो यही प्रोड्यूसर्स है ना. नेचर में तो अगर प्लांट्स ही ना हो तो ये प्रोडक्शन ही रुक जाएगी, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा प्रोड्यूस. तो नेचर का जो प्रोड्यूसर है दैट इज प्लांट. तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ये अपना जो है बनाते हैं, फूड बनाते हैं. अब इसी फूड को, इसी प्लांट्स के बनाए हुए फूड को कौन कंज्यूम करता है, कौन खाता है? प्लांट्स तो बढ़ते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, खाता कौन है इसको? कंज्यूमर्स. ओके अब कंज्यूमर्स भी देखो दो तरह के हैं, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस. हर्बीवोरस क्या होंगे, जो इन प्लांट्स को ही खा लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेंट है ना. एलिफेंट जो है वो घास खा लेगा, एलिफेंट जो है वो प्लांट बेस्ड फूड ही खाएगा, वो प्लांट्स ही खाता है, तो दैट इज हर्बीवोरस. वो डायरेक्टली जो है प्रोड्यूसर्स को खा लेगा, हर्बीवोरस. कार्निवोरस क्या होंगे, कार्निवोरस होंगे जो कि इन आगे की जो आपके बेसिकली हर्बीवोरस है उनको खाएंगे, जो एनिमल्स को खाएंगे, जो प्लांट्स को नहीं खाएंगे. ओके कार्निवोरस वो एनिमल्स होंगे जो एनिमल्स को, जैसे टाइगर है, टाइगर कभी घास नहीं खाता, राइट है ना. हम कहेंगे शेर क्या, शेर कभी घास नहीं खाता, एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो घास सच में ही नहीं खाता, वो एनिमल्स को ही खाता है, तो वो क्या हो गया, एक आपका कार्निवोरस हो गया. ओके तो एक एनिमल्स होते हैं आपके ओमनिवोरस, जो कि दोनों खा लेंगे, प्लांट्स को भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं, कई सारे बर्ड्स हमने ऐसे देखे हैं. उसके बाद कभी ना कभी इनकी डेथ होगी, प्लांट्स की भी डेथ होगी, एनिमल्स की भी डेथ होगी. अब ह्यूमंस की तरह ये क्रिमेशन वगैरह सिस्टम तो है नहीं, तो ये नेचर से क्लीन कैसे होंगे? तो ये तो ऐसे डेथ एक सारे एनिमल्स मर गए, डेड बॉडीज ही पड़ी हैं फॉरेस्ट में, नहीं. तो उसके लिए भी नेचर ने हमें दिए हैं डीकम्पोजर्स दिए हैं, जो इनकी डेड बॉडीज के ऊपर जाके इनको फीड करेंगे, इनको इनको बिल्कुल ही डीकम्पोज करके पूरी तरह से
इनकी बॉडी में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सॉइल में मिक्स कर देंगे और इनकी बॉडीज को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ओके तो डीकम्पोजर्स भी बहुत, ये आर एक्चुअली क्लीनर्स हैं ये हमारे, ये खत्म हो गए तो पूरा देखो सारी डेड बॉडीज एनिमल्स की पड़ी रहेंगी, उससे डिजीजेज होंगी, ये सारी चीजें होंगी। और ये जो सारे का सारा ये साइकिल इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये एनिमल ने की बॉडी में, ठीक है, एनिमल की बॉडी को ब्रेक किया, सेल्स को ब्रेक किया, तो उसमें से बाद में नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब निकलेगा, उसको ये सॉइल में मिक्स कर देंगे और वही वाला जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोबारा से प्लांट्स यूज करेंगे और ये नेचर में साइकिल जो है चलता रहेगा। ओके आप एक भी कंपोनेंट को इसमें से नहीं हटा सकते। एबायोटिक फैक्टर, एयर, विंड, गैसेस, ये हमने देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑटोट्रॉफ्स अगेन। ऑटोट्रॉफ्स जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जिनको हमने बोला था। अब एक चीज और भी है कि मैंने आपको बोला प्लांट्स, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि सिर्फ प्लांट्स ही नहीं है जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, और भी कई सारे ऐसे नेचर में हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फोटोट्रॉफ्स हैं। क्योंकि प्लांट्स तो आ जाए ना, प्लांट्स तो एवोल्यूशन में हम देखते हैं, जब हम देखेंगे अगर अर्थ थी कि आइस एज थी, आइस एज खत्म हुई तो एकदम से एक बड़ा ट्री नहीं बन के उग गया वहां पे धीरे 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 एवोल्यूशन हुआ, और एवोल्यूशन के टाइम पे बहुत सारी स्पीशीज जो है वो बनी जिन्होंने धीरे धीरे करके नेचर को मॉडिफाई किया कि ट्रीज जो है आ सके। तो ट्रीज के कुछ प्रिमिटिव फॉर्म्स, ओके, कुछ प्रिमिटिव फॉर्म्स, कुछ ऐसे और भी ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने इस एनवायरनमेंट को इस लायक बनाया कि बेसिकली ये यहाँ पे आके ट्री खड़ा हो सके, तो दे आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफ्स। ओके एंड ऑटोट्रॉफ इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, इज एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। मैंने आपको दिखाई थी ना वो रिएक्शन, तो C6H12O6 बना था, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूजिंग कार्बन फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। किससे कार्बन, ये कार्बन कहां से आया, CO2 से, है ना, सिंपल सब्सटेंस से आया। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या तो लाइट की प्रेजेंस में होगा फोटोसिंथेसिस, अगर लाइट है तो फोटो मतलब लाइट, अगर लाइट नहीं है, ये भी याद रखो जरूरी नहीं है कि हर ऑटोट्रॉफ जो है वो फोटो लाइट ही यूज करे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी है हमारे जो ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन उनको ये सनलाइट नहीं चाहिए होती, उनको कुछ केमिकल्स चाहिए होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं केमोसिंथेसिस। ओके तो ऑटोट्रॉफ्स दो तरह के हो सकते हैं, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे और ये केमोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, ये आपको याद रखना है, सारे के सारे सनलाइट बेस्ड नहीं होंगे। डन, तो ये देखो ऑटोट्रॉफ्स में भी आगे टाइप्स हैं, फोटोट्रॉफ्स, केमोट्रॉफ, फोटो जिनको सनलाइट चाहिए, केमो जिसको केमिकल्स चाहिए, सनलाइट नहीं चाहिए, लेकिन दोनों ही ऑटोट्रॉफ्स हैं, दोनों ही इनऑर्गेनिक चीजों से अपना खाना बना रहे हैं, दोनों को ही आपने कोई खाना नहीं दिया। ओके तो फोटोट्रॉफ्स में भी आगे हम टाइप्स देखते हैं, प्लांट्स, एल्गी, प्रोटेस्ट, फाइटोप्लैंक्टन, साइनोबैक्टीरिया, ये क्या चीजें होती हैं हम करेंगे, आपको होगा कि क्यों कर रहे हैं हम इतने डिटेल, आप देखोगे इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, मैं वो भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। केमोट्रॉफ्स में कुछ बैक्टीरिया, ओके सबसे पहले प्लांट्स, है ना, हमने देखा ना फोटोट्रॉफ्स में कौन कौन है, प्लांट्स हैं, एल्गा है, प्रोटेस्ट है, फाइटोप्लैंक्टन है, साइटो, तो सबसे पहले हम करेंगे प्लांट्स। ओके तो प्लांट्स जो है हमारे, प्लांट्स जो हमने देख लिया कि बेसिक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, CO2, वाटर, एनर्जी आ गई सनलाइट से और ये बना दिया उन्होंने C6H12O6, दैट इज योर ग्लूकोज या फिर आपका एक कार्बोहाइड्रेट बन गया, और ऑक्सीजन जो कि एनिमल्स ने, हम लोगों ने यूज कर ली। ओके तो दिस इज प्लांट्स का एग्जाम्पल। नेक्स्ट वी हैव एल्गा, है ना, अब एल्गा में भी, ठीक है, हमने देखा कि दूसरी एग्जाम्पल क्या थी, एल्गा की, प्लांट्स हो गए, अब हम एल्गा की बात करते हैं। अब एल्गा में भी देखो कई सारी बातें हैं, एल्गा कई तरह की होती है, ग्रीन, ब्राउन, रेड, कोई भी कलर आप इमेजिन कर लो, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, कोई भी कलर, आपको हर कलर में एल्गा मिल जाएगी। एल्गा की इतनी सारी स्पीशीज हैं, कुछ भी आप बोल दो आपको उस कलर की एल्गा डेफिनेटली मिल जाएगी। सीवीड्स, ये भी बहुत ही, आपको पता है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव अगर कोई ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे तो दैट आर सीवीड्स, और ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस भी माने जाते हैं। आप इनके पैकेट्स मिलते हैं, ये आप एज अ डाइट इसको यूज कर सकते हो, करते भी हैं लोग, तो सीवीड, और इवन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो सीवीड मिशन लेकर आई हुई है इंडिया में। ओके तो ये सीवीड मिशन, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल बताऊंगी, सीवीड मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइकन्स, लाइकन्स क्या होते हैं, लाइकन्स इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड एन एल्गा। ओके तो ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम करेंगे। कोई भी एक सपोज करो एक बेयर रॉक है, एक रॉकी चीज है, वहां पे लाइफ स्टार्ट होनी है, तो सबसे पहली अगर कोई स्पीशीज आएगी ना तो वो लाइकन्स होंगे। ओके और लाइकन्स कुछ नहीं, एक फंगस और एल्गा मिलके रहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
केल्प फॉरेस्ट, केल्प फॉरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आजकल बहुत न्यूज में चलते रहते हैं। केल्प फॉरेस्ट आर नथिंग बट एल्गा। अगर आप देखोगे ना, एक आप सी के नीचे देखो, ठीक है, सी के नीचे देखो अंडर वाटर, आपको बहुत डेंस ऐसा लगेगा, प्लांट्स लगे हुए हैं, बट दे आर नॉट प्लांट्स, दे आर एक्चुअली एल्गा, केल्प फॉरेस्ट। कोरल रीफ्स अगेन, ये भी आपके एल्गा के साथ ही एक वो होता है, एंड फाइटो प्लैंक्टन। तो ये सब एल्गा के टाइप्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोटिस्ट, है ना। एल्गा के बाद हमने क्या देखा, प्लांट्स हैं, एल्गा है, एंड देन वी हैव प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा की बात करते हैं, और एल्गा के बारे में आपको पता है कि अर्थ पे प्लांट्स आने, प्लांट्स का सबसे प्रिमिटिव फॉर्म एल्गा है, कि जैसे जो है ये प्लांट्स जो है वो कहां से ओरिजिनेट हुए, एल्गा से ओरिजिनेट हुए। तो सबसे पहला अगर किसी ने फोटोसिंथेसिस करी है अर्थ पे आके, तो वो एल्गा ने करी है। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड जो है फोटोट्रॉफ, जो अपने आप अपना फूड बनाते हैं, दैट आर प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के बारे में भी हमने सुना होता है। अब प्रोटिस्टा एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जब हमने क्लासिफिकेशन करी ना, तो जब अर्थ पे हमने क्लासिफिकेशन करने लगे, तो सबसे पहले दो क्लासेस बनाई गई, एक प्लांट्स बना दिए गए, एक एनिमल्स बना दिए गए। तो दो कुछ जो जो ग्रीन ग्रीन सबको प्लांट्स में दे दिया गया, बाकी बचे कुछों को एनिमल्स में डाल दिया गया। फिर आगे ये और हमारे साइंटिस्ट आते हैं, वो देखते हैं कि नहीं ये तो और कॉम्प्लेक्स है। तो उन्होंने फिर आगे फाइव किंगडम्स बनाई, उन्होंने बोला नहीं, एक प्लांट्स हैं, एक एनिमल्स हैं, एक माइक्रोब्स भी हैं, एक फंगस की भी स्पीशीज होती हैं, और फिर कुछ ऐसे एनिमल्स पाए गए जो ना प्लांट्स में फिट हुए, या एनिमल्स में ना माइक्रोब्स में ना फंगस, किसी में भी फिट नहीं हुए। तो उनको अलग कैटेगरी बना दी प्रोटिस्ट, जो कुछ किसी भी कैटेगरी में नहीं फॉल करते। दे आर अ डाइवर्स कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट फिट इन टू एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया और फंगस, किसी में भी फिट नहीं हुए। ये देखो ये फाइव किंगडम बनी, ठीक है, ये किसी में भी फिट नहीं होते बेचारे। इसमें ना सभी के थोड़े थोड़े फीचर्स आपको मिल जाएंगे, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट हैं, बट ये ज्यादा से ज्यादा माइक्रोस्कोपिक हैं, जितने भी प्रोटिस्ट हैं ये माइक्रोस्कोपिक और सिंगल सेल बने हुए हैं, लेकिन 100% नहीं, एक्सेप्शंस अभी हैं इसमें, है ना। प्रोटिस्ट और यूकेरियोट्स, यूकेरियोट्स क्या होते हैं, जिनकी बॉडी में जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है। मैंने ना एक पीछे बायो का भी लेक्चर लिया था, इसमें डाला हुआ है, तो सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, बायो का फर्स्ट लेक्चर आप देखो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, तो यूकैरियोट्स वो होते हैं कि जैसे एक सेल है, सेल के अंदर डीएनए जिसमें होगा, जिस डीएनए होगा उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन बनी होती है, दैट इज यूकैरियोट। जो प्रोकैरियोट होते हैं या फिर जो आपका बैक्टीरिया हो गया, इसकी बॉडी में डीएनए ऐसे ही पड़ा होगा, कोई अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होगी। अगर मेम्ब्रेन है देन यूकैरियोट, अगर मेम्ब्रेन नहीं है देन इट इज प्रोकैरियोट। ओके, तो ये प्रोकैरियोट है क्योंकि ये न्यूक्लियस इनमें होता है। तो आप एग्जांपल्स याद रखो प्रोटिस्टा की, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर प्रोटिस्टा और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, स्लाइम मोल्ड, एमीबा, यूग्लीना, ये सब पैरामीशियम, ये सब क्या है आपके प्रोटिस्टा है। नेक्स्ट आ जाता है फाइटोप्लैंक्टन, हमने देखा था ना फाइटोप्लैंक्टन भी एक कैटेगरी है, यहां पे देखो, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, फाइटो अगेन प्लांट से, प्लैंक्टन मतलब जो स्विम करेंगे, ठीक है, स्विम कर रहे हैं प्लैंक्टन वाटर में। तो देखो वाटर में भी, पानी में अगर आप ओशन में देखोगे, तो ओशन सरफेस पे आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्रीन कलर के बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स टाइप दिखेंगे, बट वो प्लांट्स नहीं होते, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। तो दे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, दे ऑब्टेन एनर्जी थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड वो जो है आपका सरफेस लेयर ऑफ ओशन, सी, लेक और अदर बॉडी के ऊपर रहेंगे। जैसे ये आपका ओशन हो गया, ठीक है, यहां पे आपको मिल जाएंगे, यहां पे सरफेस पे, ऊपर सरफेस में मिलेंगे, तो वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। कोई भी वाटर सरफेस होगा, ओशन, सी, लेक, वहां पे आपको मिलेंगे। दे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑन द अर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दे ऑल अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑन द अर्थ, फॉर एग्जाम्पल डायटम्स एंड डायनोफ्लैजेलेट्स, ये एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स की, ये डायटम्स हैं। अगर इनको आप वैसे देखोगे माइक्रो उसके माइक्रोस्कोप से, तो आपको ऐसे देखेंगे। ओके, अदरवाइज ये ऐसे ग्रीन कलर के होंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। अब इसी के बेसिस पे ना एक बेसिकली हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन जो है हम करने वाले। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, 2021 में ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था, कोपोर, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स एंड फॉर्मिनिफेरा, विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन्स ऑफ द ओशन। देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स खाना खुद बनाएंगे, तो कौन कौन से वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं हमने देखा, तो कौन कौन से हमने जस्ट अभी देखा फाइटोप्लैंक्टन में, हमने देखा डायटम्स हैं,
ठीक है। और हमने देखा यहाँ पे आपके डाइटम्स यहां से आ गया फाइटोप्लैंकटन से, एंड हेयर इज ऑटोट्रॉफ्स में हमने पढ़ी साइनोबैक्टीरिया। डन है, ठीक है। तो इजिली यू कैन आंसर इट, देन आंसर विल बी 2 and 3, ठीक है जी। तो ये 2021 में क्वेश्चन आया। देखो अब आप कहोगे हम क्यों डीप पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं हमें ये समझ आए चीजें, क्योंकि वो जरूरी नहीं है यही चीजें पूछ लें आपसे। अब वो कोरल रीफ्स भी पूछ सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, सीवीड, कैल्प, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जिसके ऊपर अभी हमने क्वेश्चन देखा। तो साइनोबैक्टीरिया रह गया हमारा, ठीक है, बाकी सारे हमने कर लिए। यहां पे जाके देखो हमने प्लांट्स, एल्गा, प्रोटिस्ट, फाइटोप्लैंकटन कर लिए, एक फोटोट्रॉफ रह गया हमारा साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया हम करते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया का एक दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गा। ओके, तो ये बैक्टीरिया भी है, एल्गा भी है, मिक्स सा है, आपको डिटेल नहीं करनी, बट साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गा। और ऐसा माना जाता है कि अर्थ पे सबसे पहले एक एल्गा की फॉर्म है, सबसे पहले किसी ने अगर ऑक्सीजन बनाई थी, सब ऑक्सीजन कैसे बनाई थी, ये वाली रिएक्शन करके। ओके, ये वाली रिएक्शन करके अगर सबसे पहले किसी ने ऑक्सीजन बनाई थी तो दैट वाज साइनोबैक्टीरिया, तभी एनिमल्स आए। अगर ऑक्सीजन ना होती हम होते ही ना। दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स नोन टू हैव प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन। ये हमें एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, पोलर रीजन्स में, हर जगह पे मिल जाएंगे। अगर इनको माइक्रोस्कोप से देखें तो ऐसे हैं। आपको करना क्या है, आपको नाम याद रखने हैं, आपको पेपर में पूछ सकते हैं नाम भी कौन कौन से। एक तो आप नॉस्टॉक करोगे याद, एक आप करोगे एनाबीना, ये दोनों तो आपने करने ही करने हैं। एक किसी एसएससी पेपर में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोबैक्टीरिया, उसमें एग्जांपल थी एनाबीना की, ऑप्शन थी एनाबीना की। ओके, तो नॉस्टॉक एनाबीना तो आपको जरूर करने ही करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के ऊपर, जो केमोसिंथेसिस करते हैं, हमने देखा ना। तो उसमें दो तरह के होते हैं, ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक। जिनको ऑक्सीजन चाहिए साइनोबैक्टीरिया, जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, आप सिर्फ नाम करोगे, आपको ये सब में नहीं पढ़ना। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर, बस सल्फर पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके, कैमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है, जो अपनी जो एनर्जी है ये सोलर एनर्जी से लेते हैं, आपका जो फोटो ऑटोट्रॉफ है ये सन से लेते हैं एनर्जी। जो कैमो ऑटोट्रॉफ होते हैं ये सन से एनर्जी नहीं लेते, इनको एनर्जी के लिए अलग से H2S इनके पास होता है, बस इतना याद रखो। दे डिराइव एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस। इसमें एग्जाम्पल याद रखो मिथेनोजन्स, मिथेनोजन्स एक बैक्टीरिया होते हैं, एंड योर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आ जाते हैं हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स जो जो कि इनको खाते हैं, प्रोड्यूसर्स ने बनाया हुआ फूड खाते हैं प्लांट्स या एनिमल्स को, ठीक है, दैट ईट अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। जो हेट्रो वर्ड है ये हमने अदर से लिया है कि अदर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स के बीच में क्या डिफरेंस है कि ऑटोट्रॉफ्स दे मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, हेटरोट्रॉफ्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, है ना। जो हेटरोट्रॉफ्स हैं, हेटरोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस से कैसे कैसे इनको हेल्प मिलती है, एक तो खाना मिलता है, प्लांट्स बने हुए हैं प्लांट्स को खाओ, एक तो प्लांट्स बन रहा है बेचारा खुद ही ग्रो हो रहा है, तो हेटरोट्रॉफ्स एक तो खाना मिल रहा है, दूसरा हमें ऑक्सीजन भी तो मिल रही है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से हमें ऑक्सीजन भी तो मिल रही है, तो दोनों चीजों से हमें ये चीज हम डिपेंडेंट है दो चीजों की, चीजों से फोटोसिंथेसिस के ऊपर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेट्रो, जो है आपका जो ये है आपका डीकम्पोजर या फिर हेटरोट्रॉप्स हैं, ये तीन तरह के हैं। एक तो होती है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब जो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स को खाते हैं, कोई ऐसी चीज जो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स के ऊपर बन जाती है, जैसे मशरूम, आपको पता है मशरूम जो है ये डेड उसके ऊपर ग्रो कर जाती है, ठीक है, डेट्रीवोरस है, ये डेड प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर जाती है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो आप, अब ये हमने देखा ना हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन है, तो ये कई तरह की है। पैरासिटिक आप किसी दूसरी के बॉडी के अंदर रह के खा रहे हो उसको, जैसे कि लाइस होते हैं, है ना, टिक्स होती हैं, टेप वॉर्म होता है, तो ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सरवाइव कर रहा है। होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि फूड मटेरियल को इंजेस्ट कर लेता है, ठीक है, इंजेस्ट हम खाते हैं हाथों से पकड़कर हम खाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स और एमीबा, ये एमीबा के भी ये हाथों की तरह काम करता है, कोई भी फूड मटेरियल आता है उसको पकड़ के ये खा जाता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट आ गया प्रोड्यूसर्स हेटरोट्रॉफ्स के बाद, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो डेड मटीरियल है उसको खा जाना, इट इज टर्निंग डेड मटेरियल्स इनटू न्यूट्रिएंट्स, तो कि प्लांट्स उसको दोबारा से यूज करें, इट इज नेचर्स वे ऑफ रिसाइकलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑर्गेनिजम्स दैट मेक दिस हैपन आर कॉल्ड डीकम्पोजर, जो ये काम करते हैं उसको हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं, दे आर नेचर्स क्लीन अप क्रू। बिल्कुल सही, मैंने आपको पहले बताया था कि नहीं होंगे तो सभी जगह डेड बॉडीज ही पड़ी होंगी। दे फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड फीकस एज वेल एज डेड प्लांट मटीरियल सच एज लीफ एंड वुड। वेन कंज्यूमर्स डाई या फिर जब वो प्रोड्यूस वेस्ट करेंगे, डीकम्पोजर जो हैं वो अपनी उसको खाएंगे और दोबारा से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल को वापस कर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो डीकम्पोज करते हैं, डीकम्पोजर्स हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखो। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा, दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ डीकम्पोजर्स, तो बैक्टीरिया डीकम्पोज करेंगे। फंगस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजर। कुछ ऐसे इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स, इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती, जैसे बीटल, स्नेल, मिलीपीड्स, टर्माइट्स, ये भी डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। अर्थवॉर्म है, ठीक है, वो भी डीकम्पोजिशन में हेल्प करता है। ओके, मिलीपीड्स जो ये ऐसे वाले होते हैं ना, तो अर्थवॉर्म भी आपका डीकम्पोजिशन में हेल्प करेगा। ओके, ये देखो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोरस, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स डेट्रीवोरस हैं, तो अर्थवॉर्म्स हैं, जेलीफिश नहीं है, ठीक है, जेलीफिश नहीं है। तो अगर हम टू को एलिमिनेट करें तो वैसे ही हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा 1, 3, 5। मिलीपीड्स हैं, हमने अभी देखा, अगर आप 3 को लेके भी श्योर हो, है ना। सी हॉर्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वुडलीफ है, ठीक है, तो 1, 3, 5। तो ये भी आप कहोगे क्यों पूछा, क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें क्वेश्चन आ रखे हैं भाई, क्या करें हम, इतनी डिटेल में हमें क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जो हमारा कंपोस्ट बिन्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक खाद बनाना, वो डीकम्पोजर्स के बेस्ड पे ही है। तो बेसिकली एक बड़ा सा ऐसे इन्होंने बॉक्स सा लिया, उसमें जितना भी वेस्ट वूस्ट है वो सारा डाल दिया, प्लस इसके अंदर इन्होंने डाल दिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ से लाएं अब हम, है ना, अगर आपको, हम भी करना चाहते हैं अपने वेस्ट को खाद में कन्वर्ट, कुछ नहीं करना, आपके आसपास से काउडंग लो, उसको मिक्स कर दो, काउडंग में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो इसको कन्वर्ट कर देंगे आपका उसमें एक अच्छी खासी खाद में। इन कंपोस्ट दे यूज ऑक्सीजन एंड हीट टू ब्रेक डाउन मटेरियल सच एज लीव्स, स्टिक्स, ग्रास क्लिपिंग्स, डेड फ्लावर्स, सबको कर सकते हैं। जो फिनिश्ड कंपोस्ट होता है वो डार्क होगा और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, इसको आप गार्डन्स में यूज कर सकते हो, ठीक है, और ये आपका सॉइल में प्लांट्स को अच्छा ग्रो करने में हेल्प करेगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, या आप खुद से मुझे सर्च करके बताओगे। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर आते हैं, लेक्चर हमारा यही तक था, जो हमारे काम की बातें थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट कभी किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे हमने देखा, एक होते हैं फोटो हेटरोट्रॉफ्स और होते हैं रेडियो हेटरोट्रॉफ्स। तो देखो, फोटो हेटरोट्रॉफ्स, फोटो का मतलब लाइट चाहिए, हेट्रो मतलब ऑटो नहीं है, अपने ऊपर खाना दूसरे का खाते हैं, ट्रॉफ्स, अब लाइट भी चाहिए लेकिन हेट्रो भी है, ये क्या है। सम वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया यूज लाइट टू क्रिएट देयर ओन फूड जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस। पहली बात तो फोटो का कि लाइट यूज करके खाना बनाते हैं, लेकिन दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे मस्ट रिलाई ऑन केमिकल्स बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कार्बन। सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, इनको और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए तभी खाना बना सकते हैं, तो इसी वजह से हमने इनको फोटो हेटरोट्रॉफ्स डाला। ओके, ऐसे ही एक होते हैं रेडियोट्रॉप्स। रेडियोट्रॉप्स होते हैं कि कुछ ऐसे फंगस हैं जिनको रेडिएशंस चाहिए अपने ग्रो करने के लिए, कितनी हैरानी की बात है। सम फंगस यूज गामा रेडिएशन एंड अ नेचुरल पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन टू क्रिएट एनर्जी फॉर ग्रोथ, ठीक है। दीज स्ट्रेंज रेयर फंजाई आर कॉल्ड रेडियोट्रॉप्स, ये आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट में मिलेंगे, इमेजिन, है ना। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, 2-3 बार इस लेक्चर को देखोगे ना आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करिए। अगर आपको ऐसा भी लगता है ना कि कुछ मिस हो गया इस लेक्चर में, तो वो भी आप बताओ, वो भी हम इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थोड़े से करंट, जैसे सीवीड मिशन कैल्प को लेकर गवर्नमेंट ने क्या क्या है वो सब करेंगे, और इसका आगे का हम इंट्रैक्शंस जो है सेकंड लेक्चर में स्टडी करेंगे।